friends, good morning. Welcome to another new video to my channel गुड्डी की lifestyle. आज घर से निकली हूँ कुछ वही सुबह 10:30 के अंदर कुछ information in detail जानने के लिए. कहाँ जा रही हूँ, क्या information के लिए? जी हाँ, मैं सब बताऊंगी आप लोगों को. मैं जा रही हूँ भुवनेश्वर. मैं आज अकेली भुवनेश्वर नहीं जा रही हूँ, मेरे साथ है मेरी बहन और हम दोनों बहनें बस के लिए वेट कर रहे हैं. आज बाहर इतना धूप नहीं है बट फिर भी बहुत ह्यूमिडिटी है. बहन को एक साइड खड़ा करके मैं उदास चेहरा लेके वेट कर रही हूँ. इतना वेट कर रहा है इसलिए थोड़ा टेंशन में भी आ गई थी. मैं मो बस के लिए वेट कर रही हूँ, पता नहीं कितना मजे आएगा. अभी भी वेट कर रही हूँ मैं. वैसे भी लोकल बस तो बहुत सारा ही है, इसलिए मेरे पीछे ही है लोकल बस. बट ये सब बस में उठने के बाद इतना लेट कराएगा ना भुवनेश्वर पहुँचने में. मो बस गवर्नमेंट बस है, फिर भी बहुत ही अच्छा है, बहुत जल्दी भुवनेश्वर पहुंचा देता है और सिस्टमेटिक बस, मैंने बस का सब कुछ अच्छा है. तो 16 नंबर बस में मैं जाऊंगी. सो लेट्स वेट फॉर द बस. घड़ी में अभी बज रहा है 11:10 और मौसम भी क्लाउडी है, बारिश भी. वेदर देखने के बाद फ्रेंड्स लग रहा है बारिश गिरने वाला है क्योंकि पूरा क्लाउडी हो गया है. এটা বানি বিয়ার ওই মুখলে বানি বিয়ার লেখা আছে পরে মু কইলি যে এটি বানি বিয়ার লেখা আছে পরে মু ভি দেখিলি এই অঙ্কল ভি দেখিলি সে यार হ্যাঁ হ্যাঁ फ्रेंड्स ये बस में बानी बिहार लिखा हुआ है. हाँ लिखा है जी ना. हाँ इधर सब कोई जो पैसेंजर खड़ा हुआ है वो भी बोल रहे हैं कि बानी बिहार लिखा हुआ है. जो ग्रीन कलर का बस गया है तो उसे देखकर ही मैं ये बस में चढ़ना स्टार्ट की. फिर नहीं, भुवनेश्वर नहीं जाएंगे, बानी बिहार ये बस नहीं जाएगा फिर बोल रहा है बस का ड्राइवर. तो इसके पीछे बस और एक आ रहा है, 16 नंबर का बस. ये बस भी भुवनेश्वर जाएगा और बहुत सारा प्राइवेट बस है जो कि भुवनेश्वर जाएगा. वैसे कटक बादमबड़ी बस स्टॉप से बानी बिहार भुवनेश्वर के लिए टिकट चार्ज है पर हेड 40 रुपीज और हम दोनों का पड़ा 80 रुपीज. अरे अरे अरे, अब हमारा बस आ गया 16 नंबर बस और हम दोनों बहन झटपट चढ़ गए हमारे बस में. फॉर्चुनेटली हमको सीट भी मिल गया अच्छा वाला. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. और हम दोनों बहनें मिलकर साइट सीन देखते देखते पहुंच गए बानी बिहार भुवनेश्वर. बानी बिहार भुवनेश्वर पहुंच गए और बानी बिहार भुवनेश्वर बस स्टॉप में हम उतर गए जो कि लेफ्ट साइड था. बट हमको जाना है DDC उत्कल यूनिवर्सिटी जो कि बानी बिहार भुवनेश्वर में है और वो है राइट साइड. तो हमको रोड क्रॉस करना है. एनीवे एक दूसरे का हाथ पकड़कर हम अपना डेस्टिनेशन में पहुंच गए जो कि है DDC ही उत्कल यूनिवर्सिटी. डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्टेंस एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन, ये कैंपस सिर्फ डिस्टेंस एजुकेशन के लिए है. और 2 महीने बाद बहन का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, इसीलिए आगे वो क्या पढ़ेगी मीन्स फर्दर एजुकेशन के लिए मैं इधर आई कुछ इंफॉर्मेशन जानने के लिए. कोर्स फी और एग्जाम एंट्रेंस
डिस्टेंस MBA कोर्स के लिए ₹74,000 फॉर 2 ईयर्स, रूलर के लिए ₹94,000, 2 ईयर्स PG कोर्स के लिए ₹17,000, आर्ट्स कॉमर्स के लिए मैंने पूछा नहीं और साइंस के लिए नो ऑप्शन। बहन मैं कुछ महीने बाद मीन्स 1-2 महीने बाद बहन का ग्रेजुएशन ख़त्म हो जाएगा, इसलिए वो फर्दर स्टडीज़ और मास्टर्स करेगी। फर्दर स्टडीज़ के लिए मैं आई हूँ भुवनेश्वर उत्कल यूनिवर्सिटी। तो कुछ पूछना है? जी हाँ फ्रेंड्स, तो फर्दर स्टडीज़ के लिए जैसे कि मैं बोली एंट्रेंस कोर्स फी, क्या क्या कोर्स अच्छा है फॉर मास्टर्स और MBA के बारे में, एग्ज़ाम एंट्रेंस एवरीथिंग मैं इन डिटेल्स अच्छे से मैं पूछ ली। तो फाइनली सब कुछ ख़त्म होने के बाद मैं निकल गई और फिर वेट करी बस के लिए, क्योंकि घर भी जाना है, कटक भी पहुंचना है। तो बस बहुत ही भीड़ था, भीड़ कम जाने के बाद मैं कुछ शूट की तो फाइनली पहुंच गई घर। तो फ्रेंड्स मैं अभी पहुंच रही, फ्रेंड्स मैं घर पहुंच गई हूं और रूम की तरफ जा रही हूं। बहुत ही टायर्ड हूं, फ्रेश होकर मैं अपना लंच करूंगी। तो इस वीडियो को मैं इधर रख रही हूँ, बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं एक नई ब्लॉग पर। बाय, गुड लाइफ स्टाइल। Damn.